जी शरीफ भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, मुझे बात यह करनी थी कि जून जुलाई में लॉन्च बंद होती है ना जी, अगस्त में जैसे लॉन्च खुलती है, मैं जवानी से देख रहा हूँ चांद रात होती है ना, कमाई की रात ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर हम लोग बहुत अच्छा कमाते साल भर में ना, तो इस दफा ये हुआ है कि अभी अगस्त लॉन्च खुलने वाले, कोई बर्फ नहीं चढ़ा रहा है, आज नहीं चढ़ा रहा है, मैं 20-25 दिन आगे आज चढ़ाता था, अब जो है नहीं मैं नहीं चढ़ा रहा हूँ। अब बात यह है कि हम अगर बाहर लॉन्च बेचेंगे तो लॉन्च जो है नहीं कमा के आएंगी मछली, अभी खर्चा हो गया 70-80 लाख खर्चा, पहले ये नहीं होता था। अब हम कबाड़ में लांचे दे रहे हैं, एक लांच एक फैक्ट्री है, 26 आदमी आते हैं, इसमें हर फंक्शन होता है, महीना डेढ़ जाती है, रोज जाती है, सही है, 500 लांचे हमारी कबाड़ में बिक गई, बोल रहे। अब लांच का खर्चा 70-80 लाख और कबाड़ी ले रहा है 40-50 लाख, लांच ले रहा है, पूरी फैक्ट्री ले रहा है, ये एक फैक्ट्री है एक लांच, क्योंकि हम जो है नी मछली कमाते आते हैं बाहर से पकड़ के आते हैं केचप करके, 10% इस मुल्क में बिकती है, 90% जो है नी बाहर जाती है। अब बाहर जो लांचे जाती है उसमें क्या है, मछली हमारी दुनिया भर में जाती है, बड़ा बायर हमारा चाइना है। अब जो है नी बड़ा हमारा जो बायर था चाइना, 125 अरब लोग है मछली खाते थे दो वक्त की हमारी, आज वो क्या सबसे ज़्यादा हमसे लेता था, ओ चाइना जो है नहीं अभी इंडिया है उसको दे रहा है, उसकी वजह मैं बताऊँ, उसकी वजह ये है कि वो जो है नहीं अमेरिका का दोस्त है, इंडिया हम भी दोस्त हैं, वो ईरान से सस्ता तेल लेता है, इंडिया रशिया से सस्ता तेल लेता है, उसको फ्यूल कम पड़ता है, फिर माइग्रों को सब्सिडी है डीजल की, दुनिया में सब्सिडी हमें नहीं है, सही है, सब्सिडी देता है इंडिया अपने माइग्रों को, तो वो क्या चाइना को उसका कोस्ट सस्ता पड़ रहा है, हमारा जो पहले बाहर था अभी चाइना से इंडिया उठा रहा है। दूसरी बात याद करनी थी कि फैक्ट्री वाले हैं जो हमसे माल लेते हैं, उनकी बिजली जो है नहीं पहले 25-30 लाख रुपया बिल आता था, अभी करोड़ों से ऊपर चले गया, सही है, बिजली का बिल तो अब वो क्या है कि वो जो अपना खर्चा निकालेगा बिजली का हर चीज़ का फैक्ट्री वाला, फिर हमें रेट देगा। अब पिछले साल जो हमें जो है नहीं 2000 रुपया केजी जो हमारी मछली ले रहा था फैक्ट्री वाला मैया वगैरह, वो आज जो है नहीं हमसे 800-900 रुपये का फैक्ट्री ले रहा है, जो हमारा माल जो है नहीं 700-800 रुपये में मैया ले रहा था फैक्ट्री वाला, वो 300 रुपये में ले रहा है। अब पता है क्या हुआ, बलूचिस्तान से लेके इंडिया की बॉर्डर तक जितने भी मछेरे बसती है उनके घर में फाका कशी है, आप स्टडी करके देखो सबकी लांचे, ये देखो सब बंद हो गई, अब ये कबाड़ में दे रहे हैं, इंडस्ट्री तबाह हो रही है, सही है, बिल्कुल। अब क्या हो रहा है कि अब जो है नी मच्छेरे सब परेशानी में है, अब हमारे गांव में वो डॉक्टर लिख के देते बच्चों को छोटों को कि मोरीनागा ले आओ, सेरीलेक ले आओ, लेक्टोजिन ले आओ, डॉक्टर लिख के देते हैं, बच्चा बीमार रहेगा, अरे आधा पाओ गाय का दूध पिलाने जैसे भी नहीं है, बच्चे सिसक रहे हैं, ग्रोथ हमारी ख़राब हो रही है, हमारे बच्चों के पेट में खाना नहीं है, ना आदमियों के, ना औरतों के, ना बच्चों के, हमारे बुरे हाल, यही कराची बनाने वाले हम, दुबई को बनाने वाले हम, बाबा पिटरो ये सब माइकर बलोच कच्ची सिंधी, आज वो बेचारे किस स्टेट पे आ गए, उनकी औरतों को मासी बोला जाता है, हर जगह जगह पे मासियाँ भरी हुई हमारे, यार यही मासियाँ हमारी जो है ना उधर से नौकरी करके आती है, खाना तो बच्चा वाले आती है तब बच्चे खा रहे, यही मासियाँ जो है नी हमारी पूरा कराची बनाने में किरदार, इनका दुबई भेजने में, सब आदमियों को आज मुल्क उठाने में, इनके घरों में 5 आदमी का खाना नहीं बनता था, 15 आदमी का बनता था, शहर वालों को खाना खिलाते थे, मुसाफिर खाओ यार, जैसे दिलेर होते थी, इतना सी फूड में इनका जायका था, आज उनका चेहरा देखो, किस हाल में हम लोग रह रहे हैं यार, खुदा का खौफ करो, आप मुल्क चला रहे हो, ओ भाई अमेरिका से हम कोई जंग थोड़ी चाह रहे हैं, इंडिया ले रहे हैं उसका खास दोस्त है अमेरिका का, हाँ इंडिया क्यों ले रहे हैं, ईरान से सस्ता तेल, खुदा के वास्ते हमें सस्ता तेल दियो, ये एग्रीकल्चर मुल्क है, ये सी पोर्ट है, ये फिशरमैन हम मछेरे हैं, दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर खाना पीना हमारी, देखो तो सही कैसी जमीन है हमारी, सोना उगती है यार, आप डीजल वहाँ से लो, बिजली भी ईरान से लो, लोग मर रहे हैं, बिजली नहीं है, खुदा का खौफ करो यार,
कुछ हमें देखो, आपस में क्यों लड़ रहे हो? हमारे भाई हो, इस मुल्क का सोचो भाई। हम लोग भूख मर रहे हैं, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, करोड़ों आदमी है, चारों सूबे के आदमी इधर माइग्री कर रहे हैं। यार खुदा को मानो, ईरान से ले लो तेल, अमेरिका क्या नाराज होगा, हमारा भाई है यार, करो खुदा के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम।